सात सात फीट जगह घेर रखी है रोड की चाउमीन के आगे। पब्लिक देर देर दो दो घंटे स्कूल वाले बच्चे परेशान रहते हैं। केवल इधर का ही तो नहीं, स्कूल है उसकी गली में जाके देखिए आप खुद अपना कैमरा लेके, आपको पता लग जाएगा क्या हाल है। इशू इतना बड़ा नहीं है, जहाँ इशू है वहाँ जा नहीं रहे। स्कूल के बच्चे डेढ़ डेढ़ घंटे दो दो घंटे डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे परेशान। स्कूल की जब छुट्टी होती है बच्चे इतने ज्यादा परेशान होते हैं, कोई इन ट्रैफिक वालों को कुछ नहीं कहता है। एक एम्बुलेंस जा रही होती है, एक एम्बुलेंस जा रही थी उसके अंदर बेचारा मरीज है, वो बीमारी की हालत है, लेकिन ये ई रिक्शे वाले कहो ये लड़ने भिड़ने पे आमादा होते, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता। चलो चलो बजाम मतलब जाम का असली कारण ये नहीं है सर, जाम का असली कारण है यहाँ के और जो आवागमन जो है वाहनों का बहुत दिन रात हो जाता, हम लोग इस पे आवाज लगाते हुए जाम हटाते हुए अपने काम छोड़ के आवाज लगाते हैं। लॉकडाउन से जब से ये बाजार खुला है हम जब से ये सुनते आ रहे तीन जून बनेंगे, तीन जून में तीन बार साफ होगा, ये एरिया अलग बनेगा और बटला हाउस का अलग बनेगा और बैटरी रिक्शों के लिए अलग बनेगा, आज तक दो जून का पता नहीं है। एक जून हमेशा काम करता आया है वो बस सिर्फ चौक तक सफाई करता आया है, इसके अलावा कोई नहीं मिला, उन जूनों का पता नहीं है। ये सारे बाहर निकले हुए हैं माध्यम से, अब मैं दुकानदार मैं ग्राहक बन के आया, ये डिवाइडर है, ये चीज खरीदूंगा तो कहाँ खड़ा हूँ, ये डिवाइडर है, डिवाइडर पे भी दुकानें लगी हुई है, मोटर गाड़ी निकली जाए तो क्या होगा। ये देखा जा रहा है एम्बुलेंस मिल रहा है इसके सामने दुकानदार ने बोला इसके सामने ये ग्राहक खड़ा होगा, पूरा देखो ग्राहक जब खड़ा होगा तो रास्ता कहाँ से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा, जाम लगेगा। चलो देखते हुए चलो, ये यूटर्न है, ये स्कूल की गली है, ये मार्केट की, ये मार्केट की कमेटी को नहीं दिखाई दे रहा है, ये स्कूल की गली है, ये स्कूल की गली है, देखिए सुनो ये स्कूल है सैंडगिरी स्कूल पे, ये देखो पूरा सैंडगिरी स्कूल, और ये आ जाओ ये दुकानदार है, और ये देखो ये के फुट का दिया है, ये देखिए आठ फीट का दिया है पूरा, चार फुट का, और इसी चार फुट की लाइन से हिसाब जोड़ लो, अब हिसाब जोड़ लो, ये गाड़ियाँ लग गई, ये गाड़ियाँ लग गई, ये गाड़ियाँ लग गई, ये गाड़ी लग गई, ये नहीं निकल पा रहे हैं, साथ है फकीर श्यामी, ये जो लोग जो हैं कुछ लोग इसको रेजिस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या कहना आपका, कह रहे हैं कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। विक्टिमाइज हम किसी को नहीं कर रहे हैं, हम सबके साथ हैं, ये वालों के साथ भी हैं, दुकानदारों के साथ हैं, हम इंसाफ के साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। मुश्किल से 20-25 लोग हैं जिन्होंने रोड एनक्रोच कर रखा है, 20-25 लोग इलाके की आवाम को मुतासर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आवाम की शिकायत थी कि यहाँ पर लोगों ने 10-10 फीट एनक्रोच कर रखा है, ना तो एम्बुलेंस आ सकती है ना फायर ब्रिगेड आ सकती है, हम लोग बहुत परेशान हैं, कॉम्प्लेक्स जितने हैं उनके अंदर के जो दुकानदार हैं वो परेशान हैं, उनकी शिकायतें थी, तो हमने एसएचओ से बात करी, कल एसएचओ ने सबको बुला लिया, ये वालों को भी वहाँ पर, ये लोग एग्री करके आए हैं और अब आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये सफाई वहाँ पर, ये बात दो फीट की मार्किंग कर दी जाएगी दुकान के आगे, उसके आगे कोई भी अपना डिस्प्ले नहीं करेगा, अब ये लोग तैयार नहीं हो रहे और गुंडागर्दी कर रहे हैं। इस रास्ते का जो यूज़ करते हैं लोग, कम से कम इस रास्ते को 1,00,000 आदमी इस्तेमाल करता है, अभी आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो ठेले लगाए उससे निकलना कितना मुश्किल हो जाता है, लोग आम लोगों को जो निकलते हैं, इन्होंने 5-5 फुट ठेले लगा रखे हैं, 5 फुट इधर से लगा दिया, 5 फुट इधर से लगा दिया। तो कल हमारे एसएचओ साहब से मीटिंग हुई थी बड़ा पीसफुल तरीके से, जिसमें दुकानदार भी थे यहाँ के, उनको ही बिठाया था, उन्होंने कहा था कोई ऐसा काम कर लीजिए जिससे इनको परेशानी ना हो और आप लोगों को भी निकलने वालों को परेशानी ना हो। तो हमने उस बात पे ये कहा था कि इनका एक क्राइटेरिया डिसाइड कर दो जो भी है। हेलो एसएचओ साहब ने एक प्रपोजल रखा था कि भाई दो फुट जो है इसको आप कवर कर लो, 2 फुट से ज़्यादा 2.5 फुट नहीं होना चाहिए और उस पर एक निशानदेही कर दो, निशानदेही करने के बाद में 2 फुट से ज़्यादा जो भी आएगा बाहर जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी पूरी तरीके से। तो कल उन्होंने हमें आश्वासन दिया था एसएचओ साहब ने, कल मीटिंग हुई थी हमारी जिसमें यहाँ के दुकानदार भी थे और हम आरडब्ल्यू के लोग भी थे थाने के अंदर, कल हमारी मीटिंग हुई थी। अब ये तो देखिए गलत तरीके से नाजायज तरीके से जो है कब्जा रोड कब्जा करा जा रहा है, अगर आज हम नहीं बोलेंगे तो कल को जो निकलने का रास्ता ये भी बंद हो जाएगा यहाँ से, यहाँ से निकल सबको ऊपर
कार्रवाई है। आधा रिटर्न में लेके देते हैं, 15 दिन में सब जगह बटला हाउस साफ हो जाएगा। पहले बटला हाउस से चौक से लगे यहाँ तक साफ करेंगे। हाँ, और कितने दिन? हाँ, हमें लिख के रिटर्न में दे दो, हमें रिटर्न में दे दें। आप रिटर्न में कौन देगा लिख के? आप जब आप करा रहे हो, आप जब यहाँ के जिम्मेदार हो तो आप दोगे ना? एसोसिएशन का जिम्मेदार हूं, एसोसिएशन की तरफ से कर रहा हूँ, ये काम है पुलिस का और उसका। तो हमें रिटर्न में दे दो, पूरे बटला हाउस पे कार्रवाई करें। आप पूरे बटला हाउस पे कार्रवाई करें। आप RWA के हैं और दुकानों के जो है जनरल सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं और त्यामी साहब प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट। ये जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है कि सारे दुकान वालों को इकट्ठा करके और एक मीटिंग करें और उनको अंदर कराएं। नगर RWA मार्केट एसोसिएशन और कपूर नगर के जो दुकानदार हैं लोकल सादिक प्लाजा के, एक डेलीगेशन गया था उसके अंदर के आप हमारी मीटिंग और ये पटरियां जो लगा रहे हैं ये भी वहां पर गए थे और वहां पर ये सोल्यूशन निकाला गया था कि भाई इनका जो है मिनिमाइज करा जाए और इनका एक क्राइटेरिया एक अलग से मार्केट पुलिस का जो है, जैसे अभी आपने कहा कि ये पुलिस का मसला है, वो इलाका साफ कराएगी, ये हम ही लोगों का मसला है। यहाँ पे जो एसोसिएशन ये पब्लिक का रोड है, नहीं यही रोड है सिर्फ, इस पे घेरने का किसी को अधिकार है? उसमें भी घेरने का अधिकार, हिंदुस्तान का कानून इस चीज की इजाजत देता है? नहीं, मैं ये बात बोल रहा हूँ इसी रोड के लिए सारे मुझे बताएं ना आप। नहीं, आप मुझे बताएं कि पहले इस चीज की इजाजत देता है कि आप रोड की इजाजत देता है घेरे, इस्लाम बताया आगे की इजाजत देता है? ऐसे तो आपसे आपकी क्या बात हुई है? उन्होंने कहा 3 फीट कर लो, हमने 3 फीट कर लिया, आज कहाँ कर लिया? देखो आप, तो हम क्या कह रहे हैं, मार्किंग की बात कर रहे हैं ना? नहीं, आप यहाँ से शुरुआत मार्किंग की बात हुई है? शुरुआत तो कब्रिस्तान से होनी चाहिए सर, मार्किंग शुरुआत कब्रिस्तान से होनी चाहिए, मार्किंग की बात हुई है नहीं हुई है? अच्छा साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, आपकी बात सही है, पर जो आप एग्री थे ये बताएं, हमने जो कहा उन्होंने बताओ के सामने आपकी क्या बात है? हम आपके साथ चलिए, शुरुआत तो शुरुआत से होगी ना, शुरुआत से होगी ना, कब्रिस्तान से शुरुआत करिए आप। यहाँ पर जो लोग ठेला लगाते हैं उनका कहना है कि शुरुआत बटला हाउस कब्रिस्तान से किया जाए और उनको खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। हम कर रहे हैं, सच है बात सर, कि अगर आप दुकान का किराया कमा रहे हैं तो आगे ठीहे वाले से भी क्यों कमा रहे हैं? यानी सरकार की रोड से कमाओगे, आप अपनी दुकान से कमाइए सर, और दूसरे के रास्ता चलने फिरने वालों को आप तकलीफ क्यों देते हैं? अच्छी बात नहीं है ना। परेशान तो ऐसे, तो यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है, मैं यही बोल सकते हैं, बाकी ये बोलिए 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 सर, आपका भी परेशानी तो हो रहा है, काफी दिन तो लगा रहे हैं, हटाने को बोले हटा सकते हैं, हटाने बोले हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब जितना बोलेंगे उतना कर देंगे, अगर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, परेशानी का सामना है। बेशतर हम उदासीन हैं, परेशान हैं, इन लोगों की समझ में नहीं आ रही बात, कोई ध्यान नहीं लगा, कोई ध्यान नहीं लगाया, इसलिए बात बंद ही करना है उसके सामने। देखो आज जब लाइन लगाने के जमा नहीं करने के लिए
यहाँ लोग मांगे हो तैयार नहीं।